श्री राम चरणानुरागी आचार्य राज मिश्रा जी से धर्म, संस्कृति और एस्ट्रोलॉजी से संबंधित जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल मानस ज्योतिष ज्ञान को अभी सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को क्लिक करें। जय सियाराम। दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास कार्यक्रम मानस ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। दर्शकों, हर एक व्यक्ति चाहता है कि वो ये जान सके कि कैसे वो अपना दिन बेहतर बना सकता है या किस राशि के जातकों के लिए कौन सा महीना बेहतर हो सकता है। अगर कोई परेशानी आ रही है तो वो किस प्रकार से उपाय अपना कर अपनी परेशानियों का निवारण कर सकता है। तो आज आप लोगों को बताया जाएगा कि कौन सी राशि के जातक किस प्रकार से अपने जून का महीना बेहतर बना सकते हैं, आपकी राशि क्या कहती है, ये समस्त जानकारी आज आप लोगों को इस कार्यक्रम के माध्यम से बताई जाएगी। तो चलिए आज भी कार्यक्रम में यहाँ पे शुरुआत करेंगे और मिलकर स्वागत करते हैं अपने बेहद खास मेहमान का। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ विश्वविख्यात ज्योतिष आचार्य एवं श्री रामचरण अनुरागी आचार्य राज मिश्रा जी का। आइए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। स्वागत है आचार्य जी। जय श्री राम। आचार्य जी, सबसे पहले बात करना चाहूंगी मेष राशि के जातकों के बारे में, जून का महीना उनका कैसा रहेगा। अगर मेष राशि के जातक के बारे में बात करते हैं जून मंथ को लेकर के, तो सबसे जो परिस्थितियां रहने वाली है, क्योंकि राशि स्वामी मंगल आपके मंथ के स्टार्टिंग में गोचर करेंगे मिथुन राशि के अंतर्गत, यानी आपकी राशि से तृतीय भाव के अंतर्गत। सूर्य का गोचर रहेगा आपकी राशि से दूसरे भाव के अंतर्गत, सूर्य और शुक्र का गोचर होगा। तो भाग दौड़, क्योंकि मंगल आपके जो राशि स्वामी है वो तृतीय भाव के अंतर्गत गोचर कर रहे होंगे, तो स्टार्टिंग में आपके जीवन में काफी भाग दौड़ रहेगा। प्रादेशिक यात्राओं का सुंदर योग बनेगा, मानसिक शांति रहेगी और कुछ कार्य विलंब से पूरे होंगे, पर पूरे जरूर होंगे। लेकिन उसके साथ अगर देखा जाए, जब मंगल का प्रवेश आपके चौथे भाव के अंतर्गत पहुंच जाएगा, वहां पर यदि भूमि से संबंधित कोई कार्य करेंगे तो आपको काफी सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। कारण है, चौथे भाव में जब मंगल पहुंचेंगे तो कर्क राशि के अंतर्गत पहुंचेंगे और कर्क राशि मंगल की नीचस्थ राशि है। तो यदि प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई कार्य आप करने जा रहे हैं तो आपको सावधानी रखनी होगी। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्य में यदि सावधानी नहीं रखी जाती है तो धोखा इत्यादि होने का योग बनता है। लेकिन क्योंकि मंगल का जो गोचर होगा चौथे भाव पर, उसकी जो दृष्टि होगी वो पड़ रही होगी आपके दशम भाव के ऊपर। दशम भाव पर मंगल की उच्चस्थ दृष्टि पड़ने के कारण यदि इस मंथ के अंदर कोई नौकरी आप तलाश रहे होंगे तो निश्चित रूप से आपको नौकरी प्राप्त हो जाएगी। नौकरी कर रहे हैं, प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, प्रमोशन के लिए यदि प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आपको प्रमोशन भी प्राप्त हो जाएगा। अगर विदेश में नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं और उसके लिए प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आपको उसमें भी अच्छी सफलता प्राप्त होगी। पर शनि का जो गोचर है धनुराशि के अंतर्गत है, आपके नवे भाव में है, भाग्य हमेशा आपको धोखा देता रहा है और इस मंथ भी वो परिस्थिति बरकरार रहने वाली है, यानी भाग्य पूरी तरह आपका सपोर्ट नहीं करने वाला है। तो जब भी कोई ऐसा कार्य करने जाएं जिसमें भाग्य का बहुत महत्वपूर्ण सहयोग हो तो आपको क्या करना है, ब्लैक ड्रेस पहनकर नहीं जाना है, काले कपड़े पहन करके बिल्कुल भी नहीं जाना है। और किसी महत्वपूर्ण कार्य पर जा रहे हों तो कोशिश करें कि उस टाइम पर आप सरसों के तेल का दान करके निश्चित रूप से जाएं। और आपको बता दूं, मित्रों पर इस बार बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करना है, मित्रों पर भरोसा करने से निश्चित रूप से आपको नुकसान का सामना करना पड़ेगा। उसका एक कारण है, क्योंकि अभी जो परिस्थितियां हैं आपके पंचम भाव के जो स्वामी सूर्य हैं उनका जो रहने वाला है, जो गोचर की परिस्थिति रहने वाली है वो दशम भाव में रहेगी, लेकिन दशम भाव में भी उनकी परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं रहेगी। इस कारण से आपने कोशिश करना है कि मित्रों पर बहुत ज़्यादा ध्यान ना दें, मित्रों की बातों पर बहुत ज़्यादा ध्यान ना दें और उसके साथ मित्रों को कोई धन इत्यादि ना दें, नहीं तो वहां से धोखे का योग बन रहा है। सावधान रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण चीज है और उस पर डिस्कस करना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो यदि स्वास्थ्य की दृष्टि से उठा करके देखा जाए तो ये जो महीना है वो आपके लिए बहुत बेहतर रहने वाला है, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। हाँ, माता के स्वास्थ्य को लेकर के जरूर थोड़ा चिंतित रहेंगे, पर स्वास्थ्य की दृष्टि से परिस्थिति बेहतर रहने वाली है। एजुकेशन से संबंधित विदेश यात्रा करना चाहते हैं, पढ़ाई से संबंधित विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से इस मंथ प्रयास कीजिएगा, आपको उसमें अच्छी सफलता प्राप्त होने वाली है, आगे बढ़ पाएंगे। भाई के कार्य में रुकावट आने के कारण आपके मन में तनाव उत्पन्न होगा, भाई का कार्य समय पर नहीं संपूर्ण हो रहा होगा, जिसको लेकर के मन में थोड़ी अशांति, थोड़ी दिक्कत उत्पन्न होगी।
क्या करना है यदि भाई के कार्य में दिक्कत हो रही हो और भाई के प्रति आपकी सोच बेहतर हो। हनुमान जी को प्रति मंगलवार को लाल मसूर की दाल ले जाकर के चढ़ा देनी है, भाई के कार्य में आने वाली दिक्कतें निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। आपको इस मंथ क्या करना है जिससे आपका मंथ बहुत बेहतर रहे। श्री रामचरितमानस सुंदरकांड की सबसे पहली चौपाई, जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। प्रतिदिन इस चौपाई को 3 बार कीजिएगा, आपके मंथ में आने वाली सारी दिक्कतें दूर होंगी, आपका जून का महीना बहुत बेहतर तरीके से व्यतीत होगा। जी बिल्कुल दर्शकों, जून के महीने में मेष राशि के जातकों का कैसा रहेगा दिन, ये समस्त बातें यहाँ पे आपको आचार्य जी ने बता दी हैं, उपाय भी आपको बता दिए हैं। अगर आप लोग भी अपनी राशि के बारे में जानना चाहते हैं, आप लोग हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, सभी डिटेल्स आपके समक्ष लगातार दिखाई जा रही हैं। फिलहाल कार्यक्रम को यहाँ पे विराम देने का समय आ चुका है। आचार्य जी, आपने अपना कीमती समय में दिया, धन्यवाद। जय श्री राम। नमस्कार दर्शकों। और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।